नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूनिट नंबर 3 तक अपन कर चुके हैं साइकोलॉजी में। जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की आपकी साइकोलॉजी है, उसमें 3 यूनिट यानी कि 3 जो यूनिट हैं वो पूरी हो चुकी हैं। टोटल 8 यूनिट हैं, यानी कि 5 यूनिट अभी और बची हैं। चौथे यूनिट में दोस्तों जो अपने को पढ़ना है वह है अपन इस वीडियो में देख लेते हैं, और इससे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने चौथी यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यूनिट नंबर 4 का जो नाम है वो है व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व है इसके अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है दोस्तों वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपने को पढ़नी है व्यक्तित्व क्या है और उसकी परिभाषाएँ, साथ ही व्यक्तित्व से संबंधित दृष्टिकोण, जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है, जो भारतीय दृष्टिकोण है, वो सारे मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण हैं वो सारे के सारे। उसके बाद धार्मिक दृष्टिकोण भी इसमें देखेंगे, आध्यात्मिक भी देखेंगे, तो सारे दृष्टिकोण वगैरह व्यक्तित्व संबंधित दृष्टिकोण पढ़ेंगे। उसके बाद व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को भी पढ़ेंगे, जैसे पर्यावरण है, वातावरण है, बुद्धि है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं उनमें इनको पढ़ेंगे। इसके बाद व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो पाश्चात्य वर्गीकरण है, जैसे क्रेसमर का है, सेल्डन का है, यंग का है, जिसको जुंग का भी बोलते हैं, जुंग या यंग एक ही मनोवैज्ञानिक है, जुंग भी बोलते हैं इनको, और मनो जो ये यंग भी बोलते हैं, उनका जो 3 प्रकार उन्होंने बताए थे, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय दृष्टिकोण से भी पढ़ेंगे। उसके बाद व्यक्तित्व मापन की विधियां जो हैं वो अपने को पढ़नी है। 2 विधियां, 2 प्रकार की विधियां हैं व्यक्तित्व मापन की, अप्रक्षेपी विधियां और प्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपी विधियों में अपन चेतन मन का अध्ययन करते हैं, तो प्रक्षेपी विधियों में अपन अचेतन मन और चेतन मन दोनों का अध्ययन करते हैं, लेकिन अचेतन मन का मुख्य रूप से इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था व्यक्तित्व। अब इसके साथ एक टॉपिक और दे रखा है इस बुक में, या आपके सिलेबस में दे रखा है, कि व्यक्तित्व व्यक्तित्व के साथ साथ समायोजन जो है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो समायोजन पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशंस वगैरह, और प्रकार उसके, कुसमायोजन भी पढ़ेंगे, उसके भी प्रकार, प्लस समायोजन करने की जो रक्षा युक्तियाँ हैं उनको भी देखेंगे। तो ये यूनिट है आपकी 4, और इसमें 2-3 वीडियो में ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 2-3 वीडियो इसके बनेंगे, यानी कि टोटल मिलाकर के 5 से 6 वीडियोस में यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होगी, यानी कि 1-2 दिन में, 2-3 दिन में ये वीडियोज जो आपके सामने आ जाएंगे। और आज तारीख हो गई दोस्तों, 4 तारीख, आज 4 तारीख है, और ये आपकी जो कंप्लीट हो जाएगी यूनिट 5 और 6, 5 6 6 7 तक ये कंप्लीट हो जाएगी, 7 तक ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, चौथी यूनिट भी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।